अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमदाज अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हंटिंग एडवेंचर्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मेरे हाथ में एक पिस्टल है और वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ, बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ शिकार की और हंटिंग्स के जो आइटम है, हंटिंग्स में यूज़ होने वाली गन्स की। और लेकिन मैंने जो है वो कभी भी सेल्फ डिफेंस में या होम डिफेंस में अपने पास रखने के लिए किसी भी पिस्टल वगैरह के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने सोचा कि आपके साथ आज मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ। ये एक मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं इस वक्त, ये स्टोगर है। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊँगा, इसके फ़ीचर्स के बारे में बताऊँगा और इसको असेंबल डिसअसेंबल करने के बारे में बताऊँगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो मैं बना रहा हूँ, तो उम्मीद है आप देखेंगे, आपको अच्छी लगेगी। ये जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये स्टोगर है और स्टोगर की जो है ये कॉपी है, ठीक है, ओरिजिनल स्टोगर नहीं है। और इसका जो मॉडल है स्टोगर कुगर 8000F, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इधर जो है वो चेक रिंग्स हैं, ये चेक रिंग्स इसके बने हुए हैं। और दूसरी साइड पर देखें तो यहाँ पर भी आपको ये चेक रिंग्स बनेंगे जो कि ग्रिप के लिए होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसका जो मैगज़ीन है, ये एक बटन देख रहे हैं आप, इसका मैगज़ीन जो है वो खोलने के लिए, ये है इसका मैगज़ीन। इसके मैगज़ीन में जो है वो 15 राउंड्स आते हैं, देख लें। यहाँ पर 5 राउंड होंगे तो यहाँ पर आपको बुलेट नज़र आएगी, जब 10 राउंड हो जाएंगे तो आपको बुलेट नज़र आएगी। 10, 11, 12, 13, 14 तक आपको नहीं, 15 बुलेट जब आप हो जाएंगी इसमें जो है, इस तरीके से 15 बुलेट आपको यहाँ पे लोडेड जब होंगी नज़र आएंगी इस तरीके से यहाँ तक, ठीक है। तो बहरहाल ये 15 राउंड का एक मैगज़ीन है इसमें, और इसको जो है वो लोड करने के लिए यहाँ से जो है वो ग्रिप दी गई है, यहाँ से आप इसको जो है वो आपका अंगूठा यहाँ फंस जाता है। कुछ लोग जो है वो इस तरीके से ये करते हैं, तो यहाँ से जो है वो इसको दिए हुए ताकि आप जो है वो इसको ग्रिप करके पीछे से लोड कर सकें, ठीक है। तो ये लोड जब आप करेंगे, ये हैमर इसका पीछे आ जाएगा, और जब हैमर इसका पीछे आएगा तो आप इसको जो है वो फायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वो फायर हो जाएगा। और अगर आप जो है वो इसको लॉक करना चाहते हैं तो, ठीक है, दोबारा से इसको लोड किया, ये आप देख रहे हैं इसकी जो है वो फायरिंग पिन है, ठीक है। ये हैमर जो है वो इसकी फायरिंग पिन पे जब जाके हिट करता है तो बुलेट इसका फायर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने बुलेट जो है वो फायर नहीं करना, इसको आपने लॉक करना है, तो यहाँ से अंगूठे को दबा के रखना है, इसको ट्रिगर को दबा के